हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, इट विल मीन सो मच टू अस। तो आज मैं आपके लिए बहुत डिफरेंट सा हॉल लेके आई हूँ। वैसे मैक्सिमम हम अपने चैनल पर फैशन हॉल करते हैं, पर आज मैं आपके लिए एक फूड हॉल लेके आई हूँ। तो हमने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया था, तो आपको पता है जिम के साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे नॉर्मल हम फ्रूट्स वगैरह तो खाते रहते हैं, पर हमारे यहाँ पर कोई ऐसा मार्ट नहीं है जहाँ पर थोड़ी ढंग की, जैसे म्यूजली हो गई, बटर, पीनट बटर्स हो गए, या फिर साइड डिशेज या कुछ भी, मतलब नहीं मिलता, प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें नहीं मिलती। तो मैंने जब जिम ज्वाइन किया तो हमारे से एक्सरसाइज नहीं हो रही थी ढंग से, तो हमारे ट्रेनर ने बोला खाइए, डाइट लीजिए। तो बिना डाइट के एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए फ्लिपकार्ट के जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं, 1, 2, 3 जो डेट होती है हर मंथ की, तो फ्लिपकार्ट डेज की सेल लगती है, तो उस पर उनके बहुत सारे ऑफर्स चले होते हैं। तो मैं सर्च कर रही थी फूड आइटम्स, अमेजोन पे भी देखे, फ्लिपकार्ट पे भी देखे। मैं इन्हीं दो साइट से हमारे एड्रेस पे फूड आइटम्स डिलीवर होती हैं, बाकी किसी और साइट से नहीं आती, तो इसलिए स्मिटन से भी आ जाती हैं, सॉरी स्मिटन से भी आ जाती हैं। तो हमने स्मिटन से भी कुछ सामान खरीदा था, पर जो मैं आपको आज दिखा रही हूँ ये योगा बार हॉल है। ये मैंने सारे आइटम्स फ्लिपकार्ट से परचेज़ की थी। इनका ऑफर कॉम्बो ऑफर चला होता है, बाय 3 आइटम्स बाय 4 आइटम्स एंड गेट दिस मच डिस्काउंट। तो मैं भी पागल हो गई, कार्ट में आइटम्स भरती गई भरती गई भरती गई, और मैंने 4 आइटम्स ऑर्डर की जिस पे मुझे एक्स्ट्रा कॉम्बो डिस्काउंट ऑफर लगा। तो वैसे तो ये टैक्टिक होती है उनकी ज़्यादा चीज़ें खरीदने की, पर आप इसमें पैसे भी बहुत बचा सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपने वो चीज़ कंज्यूम करनी है, तो मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें मैं कंज्यूम कर सकती हूँ, इसलिए मैंने कॉम्बो ऑफर में खरीदी। वैसे मैक्सिमम हम कॉम्बो ऑफर्स के आइटम्स बहुत कम लेते हैं, पर अगर लेनी भी हो तो हम 3-4 ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम वो यूज़ करते हैं। जैसे सनस्क्रीन अगर हमने लेनी हो तो अगर वो ऑफर में हो तो हम 4 सनस्क्रीन भी डाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम सनस्क्रीन डेली यूज़ करते हैं, वो हमारे यूज़ आएगी। तो 4 बॉटल 200 रुपये में खरीदना ज़्यादा ऑप्शन बेटर है रेदर देन 1 बॉटल 300 की लेना सेपरेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हॉल। तो जो पहली चीज़ और मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है वो है ये पीनट बटर, और ये नॉर्मल पीनट बटर नहीं है, ये है चॉकलेट पीनट बटर। आप देख सकते हैं योगा बार का पीनट बटर। और देखिए योगा बार, वैसे मैंने इसके मिक्स्ड रिव्यूज सुने थे, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने योगा बार की चीज़ें खरीदी हैं। और हाँ, एक और बात, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पैसों से खरीदी है, ब्रांड की तरफ से इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये मेरे सारे अपने ट्रू ओपिनियन हैं। तो देखिए, जो मुझे स्वीटेंड पीनट बटर आते हैं मुझे ज़रा पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम ब्रांड्स, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, फिटट्यूबर को फॉलो कीजिएगा, वो फूड रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिथ बस्ट करते हैं। तो जो न्यूटेला होता है, बहुत से लोगों को पसंद होगा, पता नहीं मुझे इस पर कितनी हेट आएगी, पर मतलब मुझे उसको देख के उल्टे आते हैं, लिटरली उल्टे आते हैं। कभी आप उसका पैक पलट के देखिएगा तो आप उसमें पाएंगे कि उसमें 47% सिर्फ शुगर होती है, और बाकी उसमें मिल्क सॉलिड और थोड़ी बहुत चॉकलेट होती है, 10-20%। और न्यूटेला का प्राइस तो मैं क्या बताऊँ, वो 200-300 ग्राम के लिए आपको 200-300 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो ये जो पीनट बटर का डब्बा है, मुझे 230 की 240 के अराउंड पड़ा था, और ये 1 kg का जार है, आप देख सकते हैं। और इसकी MRP भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आप देख सकते हैं कि इसकी फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग है, और ये बेस्ट बिफोर फॉर 6 मंथ है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्मॉल बैचेज में प्रिपेयर किया जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन पीनट बटर में होता है। इतना प्रोटीन ना आलमंड बटर में होता है ना, अब आप बटर से ये मत सोचिएगा कि हाँ बटर जैसे नॉर्मल बटर होता है, वो नहीं, ये बटर मतलब स्प्रेड, आप इसको टोस्ट के ऊपर लगा के खा सकते हैं, या फिर फ्रूट्स के साथ खा सकते हैं, या फिर ओट्स में, या फिर स्मूदी में डाल के खा सकते हैं। तो अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, देखिए। तो हम आधा डब्बा इसका खा चुके हैं, उसके बाद ये हॉल बना रहे हैं। तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए जार, आप इनको बाद में यूज़ भी कर सकते हैं दाल दूना डालने के लिए, हम नॉर्मल हाउस होल्ड में सब ऐसे ही चलता है। तो यहाँ आप इसकी कैलोरी कंटेंट देख सकते हैं, तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। इसमें पीनट है 80%, रॉ शुगर है, देखिए शुगर नहीं है इसमें, रॉ शुगर है। इसमें डार्क चॉकलेट है 4%, फिर इसमें चिया सीड्स भी है 3%, एंड नेचुरल कोकाओ पाउडर।
और इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, तो इसकी 1 सर्विंग है 32 ग्राम्स की, और इसमें 1 सर्विंग में 1 कप मिल्क के बराबर प्रोटीन है, फाइबर 1 ब्रोकली के बराबर है, और मुफा 2 अवोकाडोस के बराबर है। आप यहाँ देख सकते हैं सब मेंशन किया है, और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और इसमें कोई भी एडिड प्रिजर्वेटिव नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, सॉल्ट नहीं है, हाइड्रोजनेटेड फैट नहीं है, वीगन है, डेयरी फ्री है, पाम ऑयल नहीं है, एंड कीटो फ्रेंडली भी है। जो कीटो डाइट में है वो भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है। और इवन जिसको नॉर्मल पीनट बटर भी पसंद नहीं है और उसको शुगर फ्री ऑल्टरनेटिव चाहिए या फिर लेस शुगर चाहिए, इसमें रॉ शुगर है, और उसकी क्वांटिटी भी शायद 5 to 10 ग्राम्स की, 5 to 10% होगी अप्रॉक्सीमेट, जो आप टेस्ट में आपको फील भी नहीं होगा कि इतना ज़्यादा मीठा नहीं है। तो बाकी ब्रांड के कंपैरिजन में मुझे ये बहुत 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 पसंद आया। मैंने किसी और ब्रांड का ट्राई नहीं किया, ना मैं करूँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ चुके हैं। और ये ऑफ़र में 250 रुपये के आसपास 1 kg पीनट बटर, आपको और क्या चाहिए। और इसमें एक जार में 33 सर्विंग्स होती हैं, 32 ग्राम्स की 33 सर्विंग्स, तो आपको 1 मंथ बहुत ईजिली चल पड़ेगा। तो ये था चॉकलेट पीनट बटर। तो जो सेकंड आइटम मैंने खरीदी थी वो नॉर्मल पीनट बटर। अब देखिए ये दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये 100% सिर्फ पीनट्स हैं, रोस्टेड पीनट्स। आप यहाँ इसकी इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं, सिर्फ 100% रोस्टेड पीनट से बना हुआ पीनट बटर है। ना इसमें शुगर है, ना सॉल्ट है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको प्योर पीनट बटर चाहिए जो बिल्कुल ही शुगर छोड़ चुके हैं, तो आप ये वाला पीनट बटर ट्राई कर मैं सकते यहाँ हैं। आप पे इसकी MRP देख सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी 1 kg है, और आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी देख सकते हैं, फ्रेशली मैन्युफैक्चर्ड है, ये स्मॉल बैचेस में होता है, और ये योगा बार के रीसेंट प्रोडक्ट्स हैं। पहले योगा बार पीनट बटर्स नहीं करता था, सिर्फ म्यूजली एंड प्रोटीन बार्स मैन्युफैक्चर करता था, इन्होंने रिसेंटली शुरू किए हैं। तो मैं सच बात बताऊँ, मुझे चॉकलेट वाला ज़्यादा पसंद आया। तो देखिए जिसको वो स्वीटेंड, ये थोड़ा सा स्वीटेंड है चॉकलेट पीनट बटर, तो जिसको वो स्वीटेंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। ये 100% नेचुरल पीनट बटर है। ये स्मॉल, सबसे अच्छी बात मुझे योगा बार की ये लगी, ये फ्रेशली मैन्युफैक्चर्ड होता है और स्मॉल बैचेस में होता है। इसकी डेट भी इसलिए कम है क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो ये जितना टाइम नेचुरल कंडीशन में रह सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको, जैसे आजकल सर्दियां हैं तो आप इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, पर अगर आप इसको गर्मियों में खरीदते हैं तो इसको फ्रिज में स्टोर करके, ओपन करने के बाद फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। हमें मुझे आज तक वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप अंदर से देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको ज़्यादा रनी लगेगी, पर मैं आपको बात बता दूँ, ये स्प्रेड करने के लिए बहुत ईजी होता है, जैसे मिक्सिंग भी करनी हो तो ईजी रहता है। जो दूसरा होता है तो वो एक्चुअल कंसिस्टेंसी इसकी क्रीमी होनी चाहिए। तो इसमें वैसे मुझे लगता है इनको क्रंची वेरिएंट में निकालना चाहिए, क्योंकि मुझे क्रंची पीनट बटर ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू क्रीमी। बट चलो, फॉर द प्राइस ये ऑसम है। मुझे भी ये डील में ऑलमोस्ट 47-48% ऑफ पड़ा था। आप इसकी MRP देख सकते हैं, और ये मुझे कितने के पड़े थे मैं यहाँ साथ में स्क्रीनशॉट में मेंशन कर दूंगी। तो सेम उसी की तरह द स्मूथ टेस्ट पीनट बटर ऑब्वियसली है, 32 ग्राम की सर्विंग है, और इसमें भी 31 तो 32 सर्विंग्स एक जार में हैं। तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, एडिड शुगर नहीं है, सॉल्ट नहीं है, हाइड्रोजनेटेड फैट नहीं है, वीगन है, डेयरी फ्री है, पाम ऑयल नहीं है, एंड कीटो फ्रेंडली ये भी है। यहाँ पे आप इसकी एनर्जी डिटेल्स देख सकते हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको चेक करना है कि इसमें एक, तो इसके एक सर्विंग में जो प्रोटीन है वो है 9.8 ग्राम्स, तो 32 ग्राम की सर्विंग में 9 अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम प्रोटीन, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है। तो जो चॉकलेट पीनट बटर है उसमें थोड़ा कम है, उसमें 8 ग्राम प्रोटीन है एक सर्विंग में, तो यही दोनों का डिफरेंस है। तो अगर आपने भी अभी रिसेंटली हेल्दी खाना शुरू किया तो आप इनको चेक कर सकते हैं। तो ये रहे पीनट बटर। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो थी, मुझे आइटम्स पूरी करने के लिए कोई फोर्थ आइटम डालनी थी, तो मैंने ये प्रोटीन बार्स डाल दी। वैसे मैं प्रोटीन बार्स खरीदने के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है ये बहुत ज़्यादा रिडिकुलसली एक्सपेंसिव होती हैं, और मुझे बार्स चॉकलेट वगैरह एक्सेट्रा इन जनरल ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। पर टू माई शॉक ये काफ़ी अच्छी थी। तो ये वैरायटी पैक है इसकी, वैसे सिंगल सिंगल पैक भी आपको मिल जाएंगे, आपको जो फ्लेवर पसंद है आप खरीद सकते हैं। पर अगर आपने कभी ये ट्राई नहीं किया और आपको पहली बार ट्राई करना है, तो मैं आपको बोलूँगी वैरायटी पैक के लिए जाइए, वो सबसे अच्छा रहता है ट्राई करने के लिए। तो ये देखिए, ये थे 4 फ्लेवर जो इसके अंदर आए थे। तो
अब इसमें तीन ही बची हैं, तीन हम खा चुके हैं, तो ये हैं वो जो तीन बची हैं। वैसे मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगी कि इसमें कौन सी आई थी। तो ये जो दो प्रोटीन बार्स थी, ये दो दो के पैक थे, मतलब दो ये थी दो ये थी, तो ये हम एक एक खा चुके हैं। तो आप जो पहले देख सकते हैं, ये है एप्रिकॉट एंड फ्रिग, तो ये है वो प्रोटीन बार। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, मैं डिटेल में जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी, पर ये टेस्टी थी, मैं इतना बता सकती हूँ कि ये बहुत टेस्टी थी। और जो ये थी ब्लूबेरी पाई वाली, ये भी टेस्टी थी, ये दोनों मुझे बहुत टेस्टी लगी। ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं की क्योंकि ये सिंगल पैक आया था, पर जैसे ये लिखा हुआ है इसमें आलमंड कोकोनट, तो ये साउंड गुड कर रही है। जो इसमें फोर्थ वेरिएंट आया था बहुत बेकार था, मतलब वो था एप्पल सिनेमन। आप ये देख सकते हैं ये फोर्थ वाला बहुत ही बेकार, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगी मत खरीदेगा, मतलब वो चबाई भी नहीं जा रही थी, पता नहीं क्या था इसमें, पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो अगर आपको बाकी ये तीन वेरिएंट ट्राई करने हैं तो आप कर सकते हैं, इसका एप्पल फिग एप्पल सिनेमन वाला मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेकार है। और इस ये एक बार है 50 ग्राम की, और वैसे ये सिंगल बार 50 रुपीज़ की है। बॉक्स की MRP थी 290 रुपीज़, तो 10 रुपये बचते हैं, वाह थैंक यू 10 रुपये बचाने के लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं 290 की MRP, और ये मुझे डिस्काउंट के बाद कितने पड़ी थी मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। पर ऑन द गो के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे मान लिया कभी कभी आपके पास सुबह टाइम नहीं होता ब्रेकफास्ट बनाने का, या आपके पास लंच करने का टाइम नहीं मिलता, या कभी आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो ये एज अ स्नैक बार्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप अच्छा खासा कमाते हैं तो खरीद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हेल्दी ऑप्शन है। इसमें कुछ भी, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी इसमें क्या क्या है, पर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फालतू की घटिया चीज़ें जो आपकी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालें वो कुछ भी नहीं है। पर अगर आपको नट एलर्जी है तो इनसे दूर रहिएगा। सो इस बॉक्स में भी जो मेरी सब चीज़ें मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है। देखिए यो योगा बार की ये जो म्यूजली है ना, इस पर मेरी 1-1.5 साल से नज़र थी कि मैं ट्राई करूँगी, पर देखिए इसका जो प्राइस है वो है 325 रुपीज़। आप देखिए 325 रुपीज़ फॉर 400 ग्राम ऑफ म्यूजली। मुझे पता है म्यूजली महंगी होती है, पर स्टूडेंट थी तो अब खरीद नहीं सकती थी, तो अभी भी वैसे तो मैं इतना हो नहीं, दीदी से पैसे मार लेती हूँ थोड़े बहुत, क्योंकि वो कमाती है थोड़े बहुत, मम्मी पापा से बेचारे बन के पैसे मांग लो और हो गया आपका काम। तो ये था वैरायटी कॉम्बो, तो जो सिंगल था वो मुझे शायद महंगा पड़ रहा था इसलिए मैंने वैरायटी ऑप्शन लिया। तो इसमें ये दो थे, एक है ये 91% नट्स एंड सीड्स ड्राइड फ्रूट होल ग्रेन म्यूजली, तो आप देख सकते हैं। तो आप इसकी एडवर्टाइजमेंट में मत जाइए कि 91% इसमें होल ग्रेन्स एंड वो है, तो इसमें जो होल ग्रेन्स है उसमें 58% रोड ओट्स, ब्राउन राइस फ्लेक्स, क्विनोआ फ्लेक्स ही हैं, सीड्स 10% हैं, आलमंड 2% है, ड्राइड फ्रूट 21% है, एप्रिकॉट, क्रैनबेरी, रेजिन, ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी, डेट सिरप एक्सेट्रा, फिर स्ट्रॉबेरी पाउडर, सोया प्रोटीन फ्लेक्स, जैगरी एंड राइस ब्रैन ऑयल। तो इसमें थोड़ा एडिड फ्लेवर भी है। तो इसकी पर सर्विंग होती है 40 ग्राम की, और पर सर्विंग में प्रोटीन है 5 ग्राम। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, मैं इसके स्क्रीनशॉट और इंग्रेडिएंट की यहाँ मेंशन कर दूंगी ताकि आप पॉज करके देख सकें। तो जो इसमें नहीं है, इसमें कोई प्रोसेस्ड शुगर नहीं है, ग्लूटेन फ्री है, वीगन है, तो ये मुझे अच्छा लगा। ऑन द गो अगर आप देखें तो मुझे जितने की कॉस्ट पड़ी थी, तो इसकी पर सर्विंग की कॉस्ट आती है 20 रुपीज़ फॉर मी। अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए देखें तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब 20 रुपीज़ का ब्रेकफास्ट और क्या चाहिए, एग से भी सस्ता पड़ता है, और बनाने में भी इसमें मेहनत नहीं है, बस दूध डालो और बन। विद मिल्क भी इसकी कॉस्ट अराउंड 30 रुपीज़ पर मील आएगी, जो मुझे लगता है कि एक एवरेज जो बंदा कमा रहा है, अकेला रह रहा है, अकेले रहने वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कुकिंग एलिमिनेट हो जाती है। तो चॉकलेट मेरा फेवरेट वेरिएंट, मुझे देखिए ककाओ पसंद है, चॉकलेट मुझे डार्क पसंद है, चॉकलेट से मेरा मतलब जब मैंने बोला मुझे मीठा नहीं पसंद तो मुझे डेयरी मिल्क था, या फिर कोई भी जो शुगर रिलेटेड चॉकलेट होती है जिसमें 40 या 50% चीनी होती है, मुझे वो चॉकलेट नहीं पसंद। तो ये है चॉकलेट वेरिएंट। पता नहीं अगर किसी भी चीज़ में चॉकलेट डाल दो ना हेल्दी चीज़ में, वो वैसे ही 10 टाइम्स टेस्टी हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये है डार्क चॉकलेट क्रैनबेरी वेरिएंट, ये भी योगा बार की है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट हैं, ये हैं होल ग्रेन रोल्ड ओट्स 26%, ब्राउन राइस फ्लेक्स 24%, सीड्स 18%,
कीनुआ 8%, पम्पकिन, चिया, फ्लास्क, बेल्जियन डार्क चॉकलेट 12%, फ्रूट 8%, ड्राइड क्रैनबेरी 5%, रेजिन्स, डेट सिरप, आलमंड। तो देखिए ये जो वही सेम, बाकी इसमें सेम ये कोकाओ पाउडर, हिमालयन पिंक सॉल्ट। अच्छा इसमें हिमालयन पिंक सॉल्ट है, इसमें नहीं, इसमें हिमालयन पिंक सॉल्ट है, इसमें नहीं है, पर इसमें भी कोई फालतू की और चीज़ नहीं है। तो इसकी पर सर्विंग 50 ग्राम की, और पर सर्विंग प्रोटीन 6 ग्राम, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम ही। अगर आप 40 ग्राम सर्विंग लेंगे तो 5 ग्राम प्रोटीन। तो अंदर से ये ऐसे पैक होके आते हैं सेपरेट जिप बॉक्स में। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप ये छोटे कर सकते हैं। पर कंटेनर इसमें 8 to 10 सर्विंग्स हैं, तो मतलब 20 डेज ऑफ ब्रेकफास्ट दो बॉक्स में। तो मुझे ये अच्छी डील लगी थी इसलिए मैंने खरीद लिया। ये भी अंदर सेम ऐसे ही पैक होके आता है, तो आप बॉक्स फेंक सकते हैं और इसको ऐसे ही स्टोर कर कर रख सकते हैं, क्योंकि ये जिप लॉक पैकिंग है तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अभी तक ये खोले नहीं और अभी मेरी इंटेंशन नहीं है इसको खोलने की। तो अगर मैंने इस वीडियो को अपलोड करने से पहले ये ट्राई की है तो मैं यहाँ फ़ोटो अपलोड कर दूँगी कि ये कैसे दिखते हैं। तो ये था योगा बार हॉल। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट हेल्दी स्नैक्स क्या क्या हैं। और हाँ, तो इस पूरे हॉल में सबसे फेवरेट आइटम, मैं सच्ची बोलूँ, मेरा चॉकलेट पीनट बटर था। ये मैं बार बार कंटिन्यू करती रहूँगी परचेज़ करना। ये वाला शायद पीनट बटर मैं दोबारा परचेज़ करूँ ना करूँ, आई डोंट नो, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। अगर मुझे टेस्ट में वैरायटी चाहिए होगी तो शायद मैं कर लूँ। वैसे मेरा मेन मोटिव दोनों अलग अलग लेने का यही था, टेस्ट में वैरायटी। पर मुझे पर्सनली चॉकलेट पीनट बटर ज़्यादा पसंद है, ये मुझे नटेला जैसी फील देता है पर ज़्यादा हेल्दी होता है। और तो गाइज़ ये था आज का हॉल, थोड़ा डिफरेंट था। आई नो मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप मेरी एक्साइटमेंट से देख सकते हैं मैंने कितने एक्साइटेड होकर ये हॉल बनाया था। होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है और आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।